नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ध्यान के चमत्कार मंत्र की शक्ति भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ध्यान और आप हमारा जो चैनल देख रहे हैं उसमें आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। और कोई भी आपको टॉपिक है तो उसके ऊपर चर्चा करना है या कोई क्वेरी है या कुछ आप बात कहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको इसमें दिख जाएगा और व्हाट्सएप नंबर भी आप हमारे वीडियोस में भी देखोगे तो उसके अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिखेगा। आप इस पर जुड़ सकते हो, कोई क्वेरी है तो डिस्कस कर सकते हो और अपने ज्ञान को एक लेवल पर ले जा सकते हो। अभी जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो व्यक्ति जब पूजा पाठ करता है, मंत्र जाप करता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पूजा पाठ मंत्र जाप ध्यान नहीं करता है और वो व्यक्ति अपने जीवन की दिनचर्या में रहता है, और दूसरा व्यक्ति है जो पूजा पाठ ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है। अब जो व्यक्ति इतना प्रयास कर रहा है और उसकी परिस्थिति थोड़ी, जो पूजा पाठ ध्यान नहीं करता है उसकी परिस्थिति थोड़ी नीचे है, और जब उसको कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा बोलता है कि तुम इतना पूजा पाठ करते हो, ध्यान करते हो, मंत्र जाप करते हो, आपको ऐसा क्या मिला, वो देखो वो फला व्यक्ति जो है वो कुछ नहीं करता है लेकिन वो तुमसे ज़्यादा स्थिति में अप है, भौतिक स्थिति में अप है। तो ये व्यक्ति सोचता है कि बात बिल्कुल सही है, वो कर रहा है लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे व्यक्ति की स्थिति जो कुछ नहीं कर रहा है उसकी स्थिति वो भौतिक रूप से ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है, और ये वाले व्यक्ति जो कर रहा है वो व्यक्ति कोई चीज़ से दुखी है, कोई भी चीज़ से दुखी है और उसकी स्थिति उससे कम है। दुखी नहीं भी है तो भी उसकी स्थिति कम है। अब इसमें सवाल ये होता है कि जब जब आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति किसी परिस्थिति के वशीभूत होके या पूर्वजन्म के संस्कार के वशीभूत होके ध्यान, पूजा, आध्यात्म, तंत्र, साधना उसमें आया होता है। कोई भी व्यक्ति जब ये सब चीज करता है तो वह उस साधना में, वो सब में किसी कोई रीजन से या पूर्वजन्म के संस्कार या पारिवारिक वातावरण की वजह से उसमें आया होता है। जो दूसरा व्यक्ति है जो ये सब कुछ नहीं करता है, उसे तो मालूम ही नहीं कि जिंदगी के अंदर एंड में क्या होने वाला है। आप ये समझिए, इस बात को इस तरह से समझिए कि जैसे जब कुंती थी और भगवान कृष्ण ने एक जगह व्याख्यान आया था, भगवान कृष्ण ने कुंती को कहा कि आप कुछ मांगो मेरे से, तो भगवान कृष्ण को कुंती ने कहा कि मुझे सिर्फ दुख चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने कुंती को बोला कि भाई क्यों तुमको दुख चाहिए, तो उन्होंने बोला कि सुख में इंसान भगवान को भूल जाता है, दुख ही ऐसी अवस्था है जिसमें भगवान को व्यक्ति नहीं भूलता, इसलिए आप मुझे दुख दीजिए जिसकी वजह से मैं कभी आपको भूलूं नहीं। ये बात कितनी बड़ी बात है, कितने ही व्यक्ति है वो व्यक्ति को कोई परिस्थिति आती है तो परिस्थिति आने के बाद व्यक्ति भगवान का जप, मंत्र जाप, साधना या तंत्र साधना या इधर उधर व्यक्ति घूमने लग जाता है, क्योंकि व्यक्ति दुखी होता है तो वह व्यक्ति भगवान को याद करता है और भगवान को याद करने के बाद वह उस दिशा में आगे बढ़ता है। जैसे ही उसका काम हो जाता है उस परिस्थिति में से निकल जाता है, उसके बाद वो भगवान को भूल जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग धीरे धीरे करके जहाँ पे नियमित मंदिर जाया करते थे, वो नियमित मंदिर जाने की जगह पे वो हफ्ते में एक दिन मंगलवार शनिवार को जाना शुरू कर देते हैं, फिर वो भी धीरे धीरे कम करके फिर वो साल में जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, रामनवमी है, दिवाली है, वही मुख्य मुख्य दिन पे भगवान को याद करते, बाकी दिन पे वो अपने रूटीन में, अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। फिर दुख आता है तो फिर सोचते हैं कि भगवान हमसे कौन सी गलती, करने वाला वही है, करने वाला व्यक्ति खुद है और
और भगवान को कंप्लेन करता है कि यहाँ पे ये मेरे से मिस्टेक हो गया। दूसरी बात के जब कोई व्यक्ति साधना करता है या मंत्र जाप करता है तो वह ये सोचता है कि भगवान नहीं देख रहे। बिल्कुल गलत बात है, भगवान हर एक चीज देखते होते हैं। भगवान को आपसे ज्यादा बुद्धिमानी है, जो परमात्मा है जिसने सृष्टि को रचा है उसको आपसे ज्यादा मैनेजमेंट की जानकारी है, उसको आपसे ज्यादा ये जानकारी है कि आपके लिए क्या सही है। आप ये बात को इस तरह से समझे कि बहुत सारे साधक हैं जिन जो हमारे संपर्क में हैं और जो बहुत सारे साधक साधना करते हैं और उनको स्वतः ही इस तरह से कोई चीज की प्राप्ति हो जाती है या कोई चीज का उनको अनुभव हो जाता है, वो सोच ही नहीं सकते। इसी तरह से आप अगर भगवान की स्तुति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं या तंत्र साधना करें, कुछ भी चीज कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आपको कब क्या मिलने वाला है वो परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। परमात्मा सिर्फ आपका साफ दिल देखता है, साफ मन देखता है। उनको मालूम है जब आपको जो देना होगा, जब आपको आपकी परिस्थितियों से बाहर निकालना होगा वो कर देंगे। एक बार एक साधक थे, वो साधक का उसमें ये था कि उनके पास 100 रुपए भी नहीं थे। ये सच्ची बात है, 100 रुपए भी नहीं थे, उनको मांगना पड़ता था, इस तरह की स्थिति थी। फिर एक बार धीरे धीरे समय बीता, पर उनकी एक उनका एक नियम था कि रोज रात को वो 3 बजे तक और 3 बजे उठ जाते थे और वो देवी की उपासना करते थे और वो चीज करते थे। लेकिन उनके पास धन नहीं था, बिल्कुल पैसा बिल्कुल नहीं था, 100 रुपए भी नहीं थे, और मतलब बहुत मतलब कठिन परिस्थिति में उनका जीवन बीत रहा था। फिर ये बात मतलब सच्ची बात है, इसमें जो भी साधक लोग के अनुभव है वो हम आपको शेयर कर रहे हैं, और कितने ही साधक लोग हैं वो हमें मेल भी करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, उनका जो अनुभव, जो आपका अनुभव किसी और के भी काम आता है, ठीक है। उसके बाद वो जो साधक थे उनका 55-59 की एज तक भी उनको कोई भी चीज उसको उनको नहीं मिला। फिर उसके बाद जब 60 साल का एज हुआ, उसके बाद उनके पास कोई जगह से कोई वो पहले गवर्नमेंट में कोई जॉब में थे और उसके बाद वहाँ से कोई रीजन से वो उन्होंने सडन नौकरी छोड़ दी थी। तो उसके बाद है ना, जब उनका एज 60 साल हुआ तो उनके पास एक व्यक्ति आया और व्यक्ति आने के बाद उन्होंने बताया कि जो भी लोग उस समय के टाइम पे निकाले गए थे या जो लोगों ने सडन नौकरी गवर्नमेंट की छोड़ दी थी, उनका वो व्यक्ति जो वकील था वो केस लड़ रहा था और जो केस था वो व्यक्ति जीत गया था। तो जीत जाने की वजह से उनको उस समय के टाइम से उनको ये बोला गया कि उनको एक इंस्पेक्टर की पोस्ट से उनको रिटायरमेंट मिला और केस जीत जाने की वजह से उनको एक अमुक रकम मिली और उसके बाद उनकी पेंशन चालू हो गई और उनको लास्ट रैंक उनकी इंस्पेक्टर की हुई, कि मतलब सीनियर अधिकारी की उनकी पोस्ट हुई। और उसके बाद सडन उनका मतलब दुनिया बदल गया और उनको जो पैसे की आवक हो गई, दूसरा चीज़ के सम्मान मिला और उनका जो जीवन है आगे बहुत अच्छी तरह से बीतने लगा। तो जितने भी टाइम उन्होंने साधना की थी, रात को 3 बजे उठ के साधना की थी और वो करते थे, और कोई भी व्यक्ति देखे तो उनको ऐसा लगता था कि इसमें उनको कुछ मिल तो रहा नहीं है, पर परमात्मा जो है वो जो देखते हैं उनको जो करना था उन्होंने कर दिया, उन्होंने उनको 60 की एज में सम्मान दिलाया। इसीलिए ये प्रत्यक्ष हमारा जानकारी वाला चीज है कि जिसके अंदर वो साधक को 60 की एज में उस समय के टाइम पे सम्मान मिला। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर भगवान जो है, आप करते जाओ, भगवान आपको कब देंगे वो भगवान ही डिसाइड करेंगे और वो परमात्मा आपको देते हैं। आपका कोई भी किया हुआ एक जाप भी फेल नहीं जाता है। दूसरी एक घटना,